प्रमिला बाहिनी के बैनर तले आज महिलाओं ने पेयजल की आपूर्ति की मांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के अम्बासा दुलुवारी सड़क का अवरोध किया। बता दें कि यह इलाका पेयजल की आपूर्ति से वंचित है। यहां के लोगों ने जिला जलापूर्ति विभाग से इसकी शिकायत की थी, लेकिन अब तक संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हाईवे के अवरोध की वजह से सुबह ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। परिस्थिति को काबू में लाने के लिए संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को उनकी मांग पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही प्रमिला बाहिनी ने अपना अवरोध वापस लिया। सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने 2019 के आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू करने की घोषणा कर दी है। गैंगटॉक के इंदिरा बाईपास में पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिंग ने पार्टी को यह निर्देश दिया है। चामलिंग ने कहा कि पंचायत के अलावा विधायक भी घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री ने विधायकों और पंचायतों से उन परिवारों की सूची मांगी है जिन्हें एक महीने के भीतर सरकारी नौकरी नहीं मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल ही राज्य स्तरीय पंचायत की बैठक में एक परिवार एक नौकरी की घोषणा की है। त्रिपुरा के स्वास्थ्य तथा विज्ञान तकनीकी विभाग के मंत्री सुदीप रॉय बर्मन ने जिला आधारित अंतर्राज्य विज्ञान और नाट्य प्रतियोगिता का आज सुबह उद्घाटन किया। दक्षिण जिले के विधायक तथा विभाग के अधिकारियों समेत 9 स्कूलों के विद्यार्थी इस मौके पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में मंत्री ने राज्य में प्लास्टिक का उपयोग कम करने और प्लास्टिक का बहिष्कार करने का लोगों से आह्वान किया। मंत्री ने विद्यार्थियों के साथ संस्कार तथा कुसंस्कार पर भी विचार विमर्श किया। राज्य में भारी बरसात की वजह से नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भूस्खलन और सड़कों के पानी में डूबने की घटनाएं हो रही हैं। राज्य के मुख्य सचिव तेमजन टॉय ने मीडिया को बताया कि कोहिमा के आसपास 8 इलाकों में सड़कें बंद हो गई है, जिससे सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। কালি রাতে তখন পোলাতাম যে ওঠা তো ফেমিলি ডর আছে মানুষ শিখলে আমার সব অরিব পড়া লাগা সামান না থাকিব ব্লেঙ্কেট একটা তো সব মানুষ অরি কিনা যাবো দিয়ে কই কিনা তখন তো ব্লেঙ্কেট খান একটা লুই কিনা পলাই শিখবে আমি তো পাঁচা তিনটা আছে মোটা দুজন আছে পাঁচজন আর তখন তো পাঁচা ছজন আছে বাবা আমার মেলাই কিনা আটজন হব আপনি খান ফেমিলি পাঁচা খান কোনবা আমি খান কোটি সোমাব দিবি আর কোনবা তো সাথে এইজন কোটি সোমাব দিবি কই কিনা দুইটা খর সোমাব আমি কি কই কিনা আছে এত বড় আমি মন ডাঙর করি কিনা আমি কি এনেকা টুক টুক করি কিনা থাকা দাম দে তা খান বড় সোমাব খাবলে তা খান খুশি বড় আমি কি ওয়েলকাম করে বড় আমি খুশি বড় আচ্ছা কই কিনা তাতে যাই কিনা রেস্ট করব ভাবি আছে ও আমার খান নাগা হসপিটাল স্টাফ ভেতরে মেট্রন এসিস্ট্যান্ট মেট্রন তাই দুজন আই কিনা চাইছে। सड़क के पानी में डूब जाने से जहां नेशनल हाईवे 2 पर असर पड़ा है, वहीं भूस्खलन ने नेशनल हाईवे 29 को प्रभावित किया है। राज्य के स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने लोगों से सावधानी बरतने और परिस्थिति से भयभीत नहीं होने का आह्वान किया है। राज्य में आवश्यक सामग्रियों और ईंधन के मौजूद होने की भी उन्होंने जानकारी दी है।
असम में एनआरसी का मसौदा प्रकाशित होने के बाद मेघालय सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंगसोंग ने कहा कि हालांकि 40 लाख लोगों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन मेघालय में प्रवास की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही मेघालय में एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं है, ना ही इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ व्यवस्थित ढंग से अवैध घुसपैठ की जांच होती है।